नवरत्न के शंकर जी, मोती, माणिक्य, वैदूर्य, गोमेद, हीरा, मूंगा, पद्मराग और नीलम, शिव महापुराण में इनका अद्भुत ढंग से वर्णन किया गया है। मुक्ता प्रवाल गोमेदह वज्राणी नवरत्नकम, ये नौ रत्न है। इसमें नीलम रक्तम च वैदूर्यः श्यामम मार्कतम तथा मुक्ता प्रभाल गोमेदः वज्राणी नवरत्नकम, ये नौ प्रकार के नवरत्न के जो शंकर जी हैं ये बड़े प्रभावशाली हैं। इसमें जो मोती के शिवलिंग हैं ये तत्काल शांति प्रदानित करते हैं। व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है, क्रोध के ऊपर काबू कर लेता है, इतना बड़ा प्रभाव है मोती के शिवलिंग का। ये नवरत्न में मोती आता है। मोती का जो शिवलिंग है यह तत्काल शांति प्रदानित करता है। घर में किसी भी प्रकार का कलह है, बनती नहीं है, झगड़ा है, मोती के शिवलिंग। भले ही आपके यहाँ नर्मदेश्वर है, भगवान नर्मदेश्वर एक से अनेक अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन ये और धातुओं के जो शिवलिंग है ये शाम की वीडियो में आपके पास तक पहुँचाएंगे बात, शाम को 7 बजे। जो और धातुओं के हैं वो एक ही एक शिवलिंग। तो मोती शांति प्रदानित, जो माणिक्य है वो यश देता है। माणिक्य आता है, स्टोन आता है, नवरत्न का ही एक उसका अंग है वो, और इसके द्वारा यश प्राप्त होता है, बहुत मान मिलता है। वैदुर्य के जो शिवलिंग है वो लंबी आयु देते हैं। कहीं ये कह दिया गया है कि जन्मपत्री में उम्र कम है, आयु कम है, तो उसके लिए जो वैदुर्य के जो शिवलिंग हैं, वैदुर्य ये नवरत्न में से ही एक है वैदुर्य, ऐसे शंकर जी की पिंडी पर महारुद्राभिषेक करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। ये लंबी आयु को देने वाले हैं और ये बड़े अद्भुत हैं अपने आप में। उसके बाद में गोमेद, गोमेद के शंकर जी भी बड़े प्रभावी हैं। गोमेद के शंकर जी पर अभिषेक करने से कंठ खुल जाता है, वाणी अद्भुत हो जाती है। वाणी अद्भुत क्या हो जाती है? वाणी सिद्ध हो जाती है, मुंह से जो बोल दिया जावे वो सिद्ध हो जाता है। यह है गोमेद के शंकर जी का यह प्रभाव है, वाणी का वर्चस्व प्राप्त हो जाता है। ये शबरी बातें सिंह महाप्राण में ही लिखी है, ये कोई बार की बात नहीं है। वाणी मधुर हो जाती है, वाणी की कर्कशता समाप्त हो जाती है, ये गोमेद के शंकर जी का प्रभाव है। और हीरा, हीरे के जो शंकर जी हैं जिसको आप डायमंड भी बोलते हैं, ये संपत्ति देने वाले हैं, ये संपत्ति देने वाले हैं हीरा। और मूंगा के जो शंकर जी हैं वो जमीन देने वाले हैं, जमीन, मकान, दुकान, ये मूंगा के शंकर जी का ये प्रभाव है। फिर है पद्मराग, पद्मराग को राजनीति में सफलता दे देते हैं। और जो नीलम के जो शंकर जी हैं वे ग्रहों की शांति में बहुत आगे। कभी किसी ने ये कह दिया है कि तुम्हारे ऊपर ग्रहों की प्रतिकूलता है, राहु और केतु और ये वो सब दिक्कत कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो नीलम का स्टोन आता है और उसके शंकर जी भी आते हैं बने हुए। और नीलम के शंकर जी हैं तो वह ग्रहों की अनुकूलता, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देते हैं, ये इनका बहुत बड़ा प्रभाव है।